राजधानी देहरादून में छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी के चलते आज NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया। जानकारी के मुताबिक NSUI के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर यमुना कॉलोनी स्थित शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने पहुंचे, जहां भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने उन्हें यमुना कॉलोनी के गेट पर ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। वहीं NSUI प्रदर्शनकारियों के वहां पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें बस में बिठाकर पुलिस लाइन भेज दिया। वहीं NSUI का कहना है कि वह लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया गया है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की को और उग्र किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम विनीत प्रसाद भट्ट है, मैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, हमारे NSUI के जिलाध्यक्ष हिमांशु रावत जी के नेतृत्व में देहरादून के छात्रों ने, NSUI से जुड़े कार्यकर्ताओं ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द छात्र चुनाव कराए जाए।